भैया बाहरी आदमी कोई नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री जी भी काफ़ी इस घटना से दुखी हैं और उन्होंने हमको निर्देश दिया कि जाकर घटना स्थल पर जो भी इसके भुक्तभोगी हैं और जो जिनके अभी इलाज चल रहे हैं उनसे भी मिलने की आवश्यकता है। घटना की एक विस्तार रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी ने मांगा है कि आखिर क्या कमी है, क्या खामी है, क्यों इस तरह की दो तीन घटनाएं हुई हैं। तो इसमें हमने धनबाद के उपायुक्त महोदय को भी निर्देशित किया है कि जो बिल्डिंगें बन रही हैं उसके बायलॉज पर फायर नॉर्म्स को लागू किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, वाटर हार्वेस्टिंग का क्या है। एक मेजर इशू है कि यहाँ ट्रैफिक की व्यवस्था, उसको लेकर भी हम लोग संवेदनशील हैं। साथ ही जो फायर इक्विपमेंट वगैरह हैं ये हम भी मानते हैं कि ये काफ़ी नहीं है और इसमें एक बृहद सुधार की आवश्यकता है और इसको लेकर मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब इसको लेकर बैठक कर रहे हैं और जल्दी ही हम लोग पूरे राज्य में अग्निशामक सेवा कैसे दुरुस्त हो इसके लिए बृहद स्तर पर कार्रवाई करेंगे। और चूंकि बिल्डिंगों की ऊंचाई जो है 10 से 15 तल्ले की है और हमारे पास ऐसे संसाधन की कमी है तो वो कमी को जल्द पूरा करने के लिए हम तैयार हैं। और इसी के साथ साथ मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ बगल में जो अस्पताल है हमारा, जिसने बहुत इसमें मदद किया है। हमने पाटलिपुत्र नर्सिंग अस्पताल के जो भी हमारे ढोलिया साहब हैं उनको भी प्रशासन के द्वारा उनको प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा, जो ऐसी विकट परिस्थिति में जिन्होंने साथ दिया है तो उनको प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। साथ ही जो भी मृतक हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर तुरंत संज्ञान लिया है और जो भी मृतक हैं उन लोगों को तत्काल 4 लाख रुपया उनको राहत के रूप में, उनको सहायता के रूप में उनके परिजनों को दिया जाएगा। साथ ही भविष्य में ये घटनाएं नहीं हो ये बहुत ज़रूरी है और जो भी इलाजरत लोग हैं उन इलाजरत लोगों को भी कैसे बेहतर से बेहतर यदि इलाज कराना है और ज़रूरत पड़ी यदि कोई भी ऐसा अभी तक ऐसी नहीं है कोई सूचना की